हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने किसी की लाइफ की ट्रू स्टोरी बताने जा रही हूँ। हमने अक्सर देखा है टीवी में कि परदेशों में कोई किसी का साथ नहीं देता, और मैं एक लड़की, एक लेडी जिनके साथ पिछले 2 महीने से बात कर रही हूँ, वो बहुत ही सीरियस मेंटल प्रॉब्लम में है चल रही है। ना उसे नींद आती है, ना उसकी हेल्थ ठीक रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दुनिया ही लुट गई। इतने बड़े जहान के होते हुए भी उसे कुछ समझ नहीं आता। जब मेरी उससे सबसे पहले बार बात हुई तो बिल्कुल खामोश थी। उसकी आंखों में कुछ चमक नहीं थी। जिंदगी से हार चुकी थी वो। मैंने उसे प्रॉमिस किया कि मैं उसे सपोर्ट करूंगी, उसका साथ दूंगी। तो धीरे धीरे उसने मुझे अपनी स्टोरी बतानी शुरू की, और उसके ससुराल वाले उसे सब्जी बेचने की जब सलाह देते तो वो बिल्कुल टूट जाते। एक बार की बात है, उसने मुझे बताया कि बच्चों के रीएडमिशन के लिए 7,000 रुपये की ज़रूरत थी, जो उसके पास नहीं थे। उसने अपने ससुराल वालों से पैसे मांगे कि ये आपके बेटे के बच्चे हैं तो मुझे इनके एडमिशन के लिए 7,000 रुपये चाहिए, नहीं तो इनका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। पर ससुराल वालों ने ये कह के उसे मना कर दिया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कोई लिंक नहीं है, वो सब कुछ छोड़ के जा सका है, जा चुका है, और उसका कुछ भी नहीं है, हम उसे कुछ भी नहीं देंगे। बानी की जो हालत होती गई वो टूटती गई, टूटती गई, टूटती गई, पर बच्चों को देख के वो जीती थी। किसी तरीके से उसने बच्चों की परवरिश शुरू की, और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते गए, और बानी का पति एक बार वापस आया और उसने कैटरिंग का काम स्टार्ट किया, जो कि बहुत ही अच्छा चला। बहुत ही ज़्यादा इनकम होने लगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, बानी का घर बन गया, हर चीज़ बन गई, और वो इस चीज़ को सोच के खुश थी कि अब मेरी हर खुशी पूरी हो चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी का जो उसका पास्ट था वो बिल्कुल भूल चुकी थी। पर फिर से उसकी ज़िंदगी में एक तूफान आया। उसके पति ने उसके साथ रहने से मना कर दिया और वो उसे छोड़ के फिर से प्रदेश चले गया। प्रदेश जाने के बाद पानी फिर अकेली हो गई। बच्चों का बोझ और उनके परवरिश और रिश्तेदारों के ताने और समाज की ताने सुन सुन के पानी परेशान रहने लगी, बीमार रहने लगी। पर उसके अंदर अभी भी हिम्मत बाकी थी कि मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है। जो मेरे साथ कुछ हुआ वो मेरे बच्चों के साथ नहीं होगा। वो उस पर डटी रही, पूरे समाज के साथ, पूरे लोगों के साथ लड़ती रही अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। और एक दिन जब बच्चे बड़े हो गए, जब उसकी बच्ची बहुत बड़ी हो गई, तो उसने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई, और बानी धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करने लगी कि मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर बनाऊंगी, मैं उसका सपना पूरा करूंगी, उसके दिन बदल जाएंगे, उसकी बच्ची बहुत खुश होगी। पर किसी वजह से बानी की जो बेटी, जिसका नाम रीति था, रीति ने यह फैसला किया कि मैं तेरे पास नहीं रहूंगी। मैं तेरे पास क्यों रहूं, मैं तुझे छोड़ के जाना चाहती हूं, मैं अपना करियर यहां नहीं बनाना चाहती, मैं दूसरे देश में पढ़ना चाहती हूं। बानी ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, और वो आगे की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश चली गई। बानी को बहुत दुख हुआ क्योंकि बानी उसे अपने पास रखना चाहती थी, उसकी परवरिश करना चाहती थी, उसे बहुत बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। इस झटके को बानी बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि उसे पता था कि एक बार उसका पति उसे छोड़ के गया था और वो दोबारा नहीं आया। अब बेटी छोड़ के जा रही है, पता नहीं वो वापस आएगी या नहीं आएगी। बानी दिन रात रोते रोते, उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई, और झेलते झेलते दुनिया के ताने, दुनिया की बातें और बीमारी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी। उसकी ज़िंदगी दर्द में डूब गई। उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था,
पर उसके सामने एक मकसद था, उसका बेटा। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करने लगी और उसे बहुत ही अच्छा इंसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने लगी, कोशिश करने लगी। पर उसके ससुराल वालों ने उसके बच्चों को भी उसके खिलाफ कर दिया, ये सोच के कि पढ़ाई करने से कोई अमीर नहीं होता, तुम्हारे खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं तो फिर तुम क्यों पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िंदगी खराब करना चाहती है, तुम्हारी बचपने को बर्बाद कर रही है, तुम्हें बाहर घूमना चाहिए, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए। और एक दिन उसके बेटे ने भी उससे दूर जाने का फैसला कर लिया। अब बानी बिल्कुल टूट चुकी थी, उसके दिल में उसके दिमाग में अब कुछ नहीं रह गया था, एक खालीपन एक सूनापन दिन रात उसके दिमाग में घूमता रहता था। उसे कोई होश नहीं रहती थी, उसकी बीमारियां बढ़ती गई, दवाइयां बढ़ती गई। और एक दिन उसे ये पता चला कि उसे कैंसर हो गया। बच्चे उसके पास आना नहीं चाहते थे, पति उसे छोड़ के जा चुका था। पति की उसे ये हेल्प ज़रूर थी कि वो पैसा उसे भेजता था जिससे उसका इलाज हो सके, पर उसे क्या तकलीफ़ है, उसे क्या दर्द है, ये कोई ना समझ सका। बानी के बच्चों ने उसे धुतकार दिया ये कह के कि हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी के डिसीज़न हम खुद लेंगे, तू कौन होती है हमारे डिसीज़न लेने वाली। बानी बहुत सोचती, बहुत प्यार करती, पर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आती। और उस उन बच्चों का जो बिहेव बानी के साथ था वो उसके ससुराल वालों से भी खराब था। बानी बिल्कुल टूट गई, बानी के दिल में जहर जैसे चुभन होने लगी, उसके अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो गई और वो मौत का इंतज़ार करने लगी। दुनिया के सामने हंसने खेलने वाली बानी, हिम्मती लड़की, अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। बानी को जब इस चीज़ का एहसास हुआ कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, बानी इस दुनिया से नफरत करने लग गई। बानी जो भगवान की बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत मानती थी, उसके ऊपर से उसे विश्वास उठ गया। पर किसी तरीके वो जिंदा थी, लोगों के सामने अपने परिवार की बहुत ही तारीफ करती, अपने प्यार के परिवार के बहुत ही गुण गाती, क्योंकि वो ये सोचती थी कि दुनिया जैसी मैं सोचती हूँ दुनिया वैसी होती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दिखता है और वैसा ही होता है। उसने अपने सपने सजा रखे थे अपने परिवार के साथ, वो अंदर ही अंदर परिवार से बातें करती थी, जिसकी वजह से एक दिन वो पागल होने लगी। उस बात का एहसास उसे तब हुआ जब वो लोगों के बीच में गिरने लगी, उसे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। और जब डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, तो बानी को मेंटल असाइलम में ले जाया गया, उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। मुझे भी बानी हॉस्पिटल में ही मिली और मुझसे बातें करके बानी को बहुत अच्छा लगा। उसके दिल का दर्द धीरे 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 बाहर आने लगा और उसका दर्द सुन सुन के मुझे बहुत तसल्ली होती गई। बानी धीरे धीरे अपने दर्द को बाहर निकाल रही थी, वो रो रही थी, वो हंस रही थी। मैंने उसके चेहरे पे एक रौनक देखी। मैं उसके साथ हूँ, मैंने उसे वादा किया कि मैं तुझे हमेशा सपोर्ट करूँगी। पर आज मेरे दिल में एक सवाल है उन लड़कों के लिए जो माँ बाप की मर्जी से शादी तो कर लेते हैं और ये कहते हैं कि शादी हमने अपने माँ बाप के लिए की है, लड़की का काम माँ बाप की सेवा करना है, बच्चे पैदा करना है, उन्हें पालना पोसना है और उनका कोई फर्ज नहीं है। मैं आज उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि शादी का क्या मतलब होता है, किस लिए शादी करते हो जब तुम निभा नहीं सकते, एक दूसरे घर की लड़की को अपने घर में लाके उसे एक नौकर की जगह तुम देते हो, एक सेवक की जगह देते हो, क्यों उसके अंदर दिल नहीं होता, उसके अंदर आत्मा नहीं होती, क्या वो इंसान नहीं होती, क्या हर बहू नौकरानी होती है, क्या लड़के से शादी करके एक गुलाम लेके आते हैं ससुराल वाले, क्यों उसे वो दर्जा, उसे वो प्यार, वो इज्जत नहीं मिलती, क्यों अपने बच्चों को शादी करके बच्चे पैदा करने के बाद परदेशों में पैसे कमाने के लिए भेज देते हैं, क्यों लड़कियां इतनी परेशान होती हैं, किस लिए। और उन बच्चों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो माँ बाप तुम्हें पैदा कर देते हैं,
तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने के लिए, तुम्हारे हर दर्द को दूर करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। अपनी जिंदगी की कमाई की एक एक पैनी वो तुम्हारे ऊपर लगा देते हैं। क्या उन माँ बाप को इतना हक नहीं होता कि वो तुम्हारे लिए कुछ सोच सकें, दुनिया में अच्छा और बुरा तुम्हें बता सकें? क्या इस चीज के भी हकदार वो नहीं होते कि तुम्हारे से प्यार कर सकें? तुम्हें उन्हें इज्जत तो दूर, तुम उन्हें दुत्कारोगे? ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन सा कानून है ये? कौन सी पढ़ाई है जो तुम कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ? इतना बुरा, इतना अत्याचार। मैं आज बाकी की जो भी स्टोरी है वो पूरी नहीं हुई, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि बानी का क्या होना चाहिए जिसे उसके पति ने छोड़ दिया, जिसे उसके ससुराल वालों ने नौकरानी समझ के, जिल्लत समझ के इतने दर्द दिए कि शायद वो कभी भूल नहीं सकेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वो बच्चे जो उसे छोड़ गए, जो उसकी जिंदगी की मौत का भी जिन्हें फर्क नहीं पड़ा, उसकी परेशानियों का भी फर्क नहीं पड़ा, उनसे पूछना चाहती हूँ क्या होगा उसका? तुम्हारी जिंदगियां तो बन जाएंगी, पर तुम्हारे क्या फर्ज हैं? तुम अब क्या तुम बन चुके, क्या तुम बना चुके अपनी जिंदगी उसे छोड़ के पागल की हालत में? मैं आज बानी की कहानी आप लोगों पे छोड़ती हूँ। प्लीज मुझे बताइए मैं उसके साथ क्या करूं जिसे मैं उसकी खुशियों से वापस दे सकूं। बानी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, उसके बहुत बड़े बड़े सपने हैं, पर बीमारी की वजह से और उम्र की वजह से वो कुछ करने लायक नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। मुझे ये बताइए कि मैं उसकी क्या हेल्प करूं ताकि उसे जिंदगी में फिर से कामयाबी मिल जाए। फैसला मैं आप पे छोड़ती हूँ। मेरे इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए और अपने व्यू लिखिए कि बानी को पहले जैसी खुश कैसे किया जाए, बानी को कामयाब लड़की कैसे बनाया जाए। जितना हो सके इस स्टोरी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि बानी को उसका इंसाफ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप यू विल हेल्प मी टू हेल्प बानी। थैंक यू।